जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। और मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ दोस्तों आज के इकोनॉमिक क्लास में। हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। दोस्तों सभी के यहां पे कमेंट मिल रहे हैं, सुमैया खान जी, दीपू कुमार जी, ज्योति वर्मा जी, जगत राम जी, आफरीन खान जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश चंद्रा जी, ठीक है, आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी क्लास यहाँ पे शुरू हो चुकी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसकी एक क्लास हमने की थी और उसके बाद आज दूसरी क्लास हम कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, यहाँ पर चीजों को समझ रहे हैं। चलिए दीपू कुमार जी, जी हाँ, जगत राम जी, जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आ चुकी है, अभी आपको बैठना उस गाड़ी में, ठीक है। चलिए आफरीन खान जी, ठीक है, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे आज और यहां पे समझेंगे किस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं और किस प्रकार से आपको चीजों को समझना होगा। दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, उसके बाद चीजें मैं और आपको बताऊंगा। एक ब्रीफ नॉलेज मैं आपको दे देता हूं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है और क्यों उसके लिए प्रयास यहां पर किया जाता है। दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है चार चीजें, कौन कौन सी चीजें हम लोग जानते हैं। सबसे पहली चीज होती है बैंकिंग, बैंकिंग के बाद हमारा होता है क्रेडिट, क्रेडिट के बाद होता है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के बाद होता है इंश्योरेंस, ठीक है। अगर किसी भी जगह पर ये चार चीजें इजीली प्रोवाइड हो रही हैं, यानी जनता को ये चारों चीजें इजीली प्रोवाइड हो रही हैं, इन सबको सरकार इजीली प्रोवाइड कर पा रही है, तो हम कहते हैं कि उस जगह पर फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसा है, ज्यादा है। अब दोस्तों इनकी जरूरत क्यों है, जरूरत इसलिए है क्योंकि बैंकिंग की अगर सुविधा सभी के पास होगी तो सबके अकाउंट्स होंगे और उन अकाउंट्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी स्कीम्स हम चला सकते हैं, यानी सरकार से जो भी सब्सिडी वगैरह आती है वो सीधे लोगों के अकाउंट तक पहुंच सकता है। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप की स्कीम्स होती हैं, जैसा कि हमने कोरोना काल में देखा, सरकार ने जो हमारे निम्न वर्गीय परिवार थे, निम्न आय वर्गीय परिवार थे, उनको 500 रुपए प्रति माह की एक राशि उनको प्रोवाइड की थी, जो हमारे फेरी वाले थे उनको 1000 रुपए प्रति माह की राशि प्रोवाइड की थी। तो ये सारी राशियां जो है ये सभी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की गई, जिससे करप्शन को यानी भ्रष्टाचार को रोकने में काफी मदद मिली। और बैंकिंग के साथ दोस्तों बाकी सुविधाएं भी लोगों के साथ जुड़ जाती हैं। अगर आपका अकाउंट होगा तो आप वहां पर FD RD की सुविधा ले सकते हैं, आप वहां पर क्रेडिट यानी लोन की सुविधा ले सकते हैं, और भी तमाम तरह की सुविधाएं आपको बैंकिंग के सेक्टर से मिल जाती हैं। इसी प्रकार दोस्तों क्रेडिट, जब भी देखिए क्रेडिट यानी आसान लोन उपलब्ध होता है तो जनता मार्केट में खूब सारी खरीदारी करती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री भी ग्रो जाती है और दोस्त लोगों भी अच्छी खरीदारी करके मार्केट को ऊपर करते हैं। अगर दोस्तों क्रेडिट के बढ़िया ऑप्शन ना हो तो फिर हमें वापस से साहूकार के पास जाना पड़ेगा और उसके लंबे ब्याज के चक्र में हमें फंसना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट के अच्छे ऑप्शन नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है, वहां पे पैसा बर्बादी की ओर चला जाता है। मान लीजिए मैं सेविंग अकाउंट चलाता हूं, मेरे पास हर महीने 1000-2000 रुपए बचते हैं, अगर उनको सेव करने का तरीका मेरे पास ना हो, सेव करने के या उनको इन्वेस्ट करने के अच्छे ऑप्शन मेरे पास ना हो, तो मैं उनको किसी भी चीज में खर्च कर दूंगा या कहीं भी अच्छी जगह उनको इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, जिससे मेरी ग्रोथ आगे नहीं होगी। तो ये सब चीजें दोस्तों बहुत जरूरी होती हैं और इन्हीं सब चीजों को जहां पर अप्लाई कर दिया जाए, यानी जहां पर ये चारों चीजों की सुविधाएं प्राप्त हो रही होती हैं, तो वहीं पर दोस्तों हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन वो अच्छा है। जहां पर ये चारों चीजें अच्छी नहीं होती हैं वहां पर हम कहते हैं दोस्तों वित्तीय समावेशन अच्छा नहीं है। अगर हम आजादी से पहले की बात करें तो आजादी से पहले दोस्तों भारत देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बैंकिंग की सुविधाएं, क्रेडिट की सुविधाएं, इन्वेस्टमेंट की सुविधाएं, इंश्योरेंस की सुविधाएं, ये दोस्तों लोगों को अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं थी, यानी आम जनता तक इनकी सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी। और इसी वजह से फिर क्या हुआ, सरकार ने तमाम तरह के प्रयास किए जिससे पूरे भारत देश में सभी नागरिकों तक, आम नागरिक तक ये चारों सुविधाएं पहुंच पाए और देश की प्रगति में योगदान दे पाए। तो उसी चीज को हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं और उन्हीं स्कीम्स के बारे में आज पढ़ेंगे, कौन कौन सी स्कीम सरकार ने चलाई, क्या क्या प्रयास किए गए, कौन कौन से प्रयास फेल हो गए या क्यों फेल हो गए, इन सब बातों की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें, लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें, तो लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन वगैरह समझ लिया था इनकी सारी और आज उसके बात कुछ चीजें समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को एक जानकारी मैं यहां पे दे दूं जो कि आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। हम सभी में से जो भी लोग दोस्तों यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए अपना यूपी पीसीएस का महापैक दोस्तों चल रहा है। ये यूपी पीसीएस का महापैक दोस्तों आपको 8 बैचेस का एक्सेस देता है, जो आपकी तैयारी को बिल्कुल पूरी तरीके से कराते हैं। एडवांटेज क्या क्या है एक बार समझ लीजिए।
अगर आप यूपी पीसेस का महापैक परचेस करते हैं तो आपको सीधे सीधे एक संकल्प 3.0 का दोस्तों एक बैच मिलता है जो कि पूरा जीएस फाउंडेशन बैच है, जिसमें यूपी पीसेस के लिए आपको प्री मेंस और सीसेट तक की सारी कहानी तो समझाई जाएगी और पूरी कहानी से आपको अवगत कराया जाएगा, पूरी प्लानिंग के साथ आपके लेक्चर्स होंगे यहां पर, जहां पे पूरी आपकी तैयारी यहां पर कराई जाएगी जो भी अपना यूपी पीसेस का एग्जाम है। इसके अलावा जो अभी दोस्तों 12 जून को एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए यहां पर रिवीजन बैच किया गया है। यहां पर एक यूपी पीसेस का हमने मिशन यूपी पीसेस का बैच शुरू किया है जो 2 महीने के अंदर यूपी पीसेस का पूरा सिलेबस आपको करा देगा। इसमें आपको रिवीजन मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, थ्योरी मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो ये दोस्तों ये दूसरा बैच आपको मिलेगा इसी बैच में। तीसरा बैच अपना सी सेट का है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट अलग से रहेगा। फिर चौथा बैच आपको एक जनरल स्टडीज का स्पेशल बैच मिलेगा जिसमें आपको जनरल स्टडीज के बिल्कुल डेप्थ नॉलेज दी जाएगी और सारी कहानी आपको वहां पे समझाई जाएगी। इसके साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश जीके का यहां पर एक बैच मिलना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश का पूरा स्टैटिक जीके आपके साथ में आएगा जो विभिन्न एग्जाम्स में काम में आता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मिलेंगे 65 टोटल टेस्ट जो आपकी तैयारी को और भी ज्यादा धार देंगे और दोस्तों आपके साथ साथ सी सेट का एक बैच मिलेगा जो आपको बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व कर देगा अपनी तैयारी में। इसके अलावा दोस्तों आपको आरओ एआरओ का भी एक बैच और इनरोल किया गया है, वो भी आपको यहीं पर दोस्तों मिलेगा जो अपना यूपी आरओ एआरओ का बैच होता है, जो आरओ एआरओ का एग्जाम होता है रिव्यू ऑफिसर दोस्तों और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, उसके लिए भी आपको यहां पे बैच मिलेगा। तो इस प्रकार के 8 बैचेस का आप एक्सेस कर पाएंगे केवल सिंगल एक महापैक लेकर। ये महापैक भी दोस्तों मात्र 1999 रुपए का आपको मिल रहा है और इसमें भी अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे जो कि है Y508, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बैच को केवल दोस्तों आपको 1839.77 रुपए में मिल जाएगा। यानी ये बहुत ही जबरदस्त ऑफर आपके पास है, इसको आप लोग यहां पर ग्रैब कर सकते हैं, इसको आप लोग चुन सकते हैं जिससे आपकी तैयारी दोस्तों जबरदस्त लेवल की हो जाएगी। आगे दोस्तों आपको एक फिर से बता दूं कि आप सभी लोग हमारी यूपीएससी अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपकी तैयारी से संबंधित आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको हमारे फैकल्टीज के द्वारा बनाई गई जो पीडीएफ्स हैं वो आपको यहां पे दी जा रही हैं। साथ में आपको दोस्तों बहुत सारा करंट अफेयर से अपडेट किया जाएगा, बहुत सारे लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड होंगे जो आपकी तैयारियों को दोस्तों आगे बढ़ा देंगे। इन सबका दोस्तों इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी में से जिन लोगों ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों सारी वीडियोस को पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि सारी वीडियोस जब भी हम लेके आए वो तुरंत आप तक यहां पे पहुंच जाएं और तुरंत आप लोग उनको सीख सकें और अपनी तैयारी में दोस्तों आगे बढ़ सकें। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को बता दूं कि टेस्ट सीरीज यहां पर चल रही है, जिस पर एक ऑफर चल रहा है वो ऑफर ये है दोस्तों 99 रुपए में आपको पूरी टेस्ट सीरीज यहां पर मिल रही है। दोस्तों टेस्ट सीरीज का बहुत ही ज्यादा फायदा होता है और मैं तो कहता हूं कि कोर्स से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज का फायदा यहां पर होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ऐसी चीज है जो आपका पूरा रिवीजन यहां पे कराती है और दोस्तों आपको एग्जैक्टली एग्जाम के ट्रेंड को समझने में सहायता करती है। कैसे, जरा एक बार समझ लीजिए दोस्तों। अगर मान लीजिए आप एक पेपर करते हैं, आपने अगर टेस्ट सीरीज का एक पेपर किया तो एक पेपर का मतलब है लगभग आपने 100 क्वेश्चंस कर लिए। 100 क्वेश्चन का मतलब दोस्तों ये है कि आपके 10 टॉपिक कम से कम क्या हो गए, रिवाइज हो गए और पेपर आपका दोस्तों 2 घंटे में यहां पर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब देखिए, अगर आपने दोस्तों एक दिन में एक भी पेपर करा, अगर एक दिन में आपने एक पेपर भी करा तो भी दोस्तों 30 दिन में आपके 30 पेपर हो गए, यानी 3000 क्वेश्चन आपने दोस्तों एक ही महीने में कर लिए। 3000 क्वेश्चन एक महीने के अंदर कर लेना यह अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज का अपना बहुत अच्छा रोल है, इसको भी आप लोग यहां पर ले सकते हैं। मात्र 99 रुपए का दोस्तों ऑफर है और केवल आज के लिए ही ऑफर है। यहां पर भी दोस्तों आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको यहां पर दोस्तों जबरदस्त डिस्काउंट दिलवा देगा, Y508। ये दोस्तों मेरा कोड है, इसको आप लोग इस्तेमाल करके अपने इस बैच को ले सकते हैं और अपने पैसे को बचा सकते हैं, तैयारी को दोस्तों आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और अगली बात हम लोग करते हैं आज के इस लेक्चर की। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में मैंने आपको बताया 4 चीजों का मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आर्टिकल हमारे 41 और 42 क्या करते हैं वो हमने बताया था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे और ये सारी चीज हमने कही थी। इसके बाद दोस्तों अपने देश में बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया, ये हमने सारी अप्रोच सीखी थी और सारे यहां पे क्वेश्चंस हमने देखे थे। ये सारे काम किए गए जिससे बैंकिंग सेक्टर को दोस्तों हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन के तैयार कर सकें और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ा सकें, इस तरह की सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ ली थी।
इसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम लोग तो यहां पे हमने क्या किया था, ये सारी बैंकिंग चीजें पढ़ने के बाद यहां पे हमने देखा था दोस्तों कि यहां पे प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से किस प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया गया था, ये सारी बात हमने यहां पे समझी थी। और आज भी कुछ और योजनाओं के बारे में दोस्तों पूरी बात हम लोग यहां पे समझेंगे और उसकी पूरी बात यहां पे दोस्तों हम लोग देखेंगे। ये सारी बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में यहां पर पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में दोस्तों, हमें यहां से पढ़ना है जहां पे हम लोग जो पोस्ट ऑफिस का बैंक है यानी जो पेमेंट बैंक है उसके बारे में दोस्तों पूरी हम लोग बात यहां पे करेंगे। अब दोस्तों यहां पर पूरी बात समझिए, अपने देश में पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की अगर बात करें तो हमारा जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसने 774 में दोस्तों यहां पे शुरुआत किया था, लेकिन इससे पहले लॉर्ड क्लाइव ने 1766 में दोस्तों पोस्ट ऑफिस को यहां पर शुरुआत किया था। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको एक्सप्लोर किया, एक्सपेंड किया, इनकी सुविधाओं को बढ़ाया और लोगों को दोस्तों बहुत अच्छी बचत स्कीमें जो थी वो प्रोवाइड यहां पे कराना शुरू किया गया। अब इसी को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए डलहौजी जो था उसने क्या किया, 1854 में क्या किया, पोस्ट ऑफिस एक्ट को पास किया और उसके बाद दोस्तों क्या किया, फर्स्ट पोस्टल स्टैंप जो है उसने जारी किया और उसकी रेट्स को दोस्तों डिसाइड किया उनके वेट के हिसाब से। इसके साथ साथ दोस्तों फिर प्रोजेक्ट एरो चलाया गया जो 2008 में चलाया गया था, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसको मॉडर्नाइज किया गया और इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जो टेलीग्राम था उसको दोस्तों स्टॉप कर दिया गया 2013 में। क्यों, वजह से ऑनसेट ऑफ एसएमएस एंड ईमेल, क्योंकि इंडिया में दोस्तों एसएमएस और ईमेल शुरू हो गए इसलिए टेलीग्राम की व्यवस्था को यहां पर 2013 में खत्म कर दिया गया और पोस्ट ऑफिस को और भी ज्यादा यहां पर क्या किया, अपग्रेड किया गया ताकि लोगों तक और भी सुविधाएं यहां पर पहुंच सके और लोगों तक और भी दोस्तों काम यहां पर पहुंचा सके, ऐसी बातें यहां पर किया गया था, ठीक है ना। अब यहां पे समझिए कि हमारा जो ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो पेमेंट बैंक के बारे में लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि सरकार ने क्या किया है, पेमेंट बैंक के माध्यम से कुछ ऐसे बैंकों का निर्माण किया है जो पेमेंट कराने में सहायता करेंगे, यानी भुगतान बैंक के रूप में एक तरह से काम करेंगे, वो केवल पेमेंट गेटवे की तरह यानी पेमेंट करने के लिए वो काम यहां पे करे जाएंगे। तो पोस्ट ऑफिस का भी दोस्तों यहां पे पेमेंट बैंक शुरू किया गया। अब क्या फर्क है दोनों में एक बार देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम सेविंग बैंक की अकाउंट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग बैंक है इनको दोस्तों हमने क्या किया था, गवर्नमेंट सेविंग बैंक एक्ट 1873 के अकॉर्डिंग इसको बनाया था। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तो ये हमारा जो कंपनीज एक्ट है 2013 उसके अंतर्गत है और इसके बाद दोस्तों पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी एक्ट है 2016 उसके अंतर्गत ये लिमिटेड है। यहां दोस्तों क्या है कि ये सेविंग अकाउंट है केवल, यानी पोस्ट ऑफिस में हम लोग केवल सेविंग अकाउंट यहां पर अपना खोल सकते हैं और उस पर यहां पे काम कर सकते हैं, जबकि अगर हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो यहां पे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों ही दोस्तों हम लोग यहां पे ओपन करा सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें दोस्तों पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की तो यहां पर टाइम डिपॉजिट दोस्तों एक्सेप्ट होते हैं। अब ये टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं, तो दोस्तों बैंकों में दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक होता है टाइम डिपॉजिट और एक होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है ऐसा पैसा जो कि हम एक समय के बाद निकालेंगे तभी हमें फायदा होगा। जैसे हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट यानी हमारी जो एफडी है वो क्या है, एक प्रकार की टाइम डिपॉजिट है। इसके अलावा हमारी जो आरडी होती है यानी रिकरिंग डिपॉजिट वो भी क्या है, एक प्रकार का टाइम डिपॉजिट होता है। हमें एक समय के बाद अगर पैसा निकालेंगे तो हमें फायदा होगा, अदरवाइज हमें क्या होगा, उतना फायदा नहीं होगा। लेकिन डिमांड डिपॉजिट कैसे होते हैं, डिमांड डिपॉजिट दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको हम कभी भी डिमांड कर सकते हैं, जिनकी डिमांड हम क्या कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जैसे हमारा करंट अकाउंट, अगर हमारा करंट अकाउंट है यानी हमारा जो चालू खाता है इसमें दोस्तों अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं तो इसकी डिमांड हम लोग कभी भी दोस्तों कर सकते हैं और कभी भी पैसे को यहां पर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो सेविंग अकाउंट है यानी हमारा जो बचत खाता है ये भी दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का हमारा कैसा होता है, एक प्रकार का डिमांड डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। इसको हम कभी भी निकाल सकते हैं, हम कभी भी अपने पैसे को डिमांड कर सकते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बैंकों के लिए फायदेमंद क्या है, बैंकों के लिए टाइम डिपॉजिट फायदेमंद है या फिर डिमांड डिपॉजिट, जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बताइए। आफरीन खान जी, समैरा सैयद जी, आरजेपी राजा राजा जी, प्रतिमा यादव जी, सभी लोग बताइए, ज्योति वर्मा जी, अखिल रंजन जी, तनु रावत जी, सुचि श्रीवास्तव जी, जल्दी से बताइए कि बैंकों के लिए कौन सा फायदेमंद होगा, क्या टाइम डिपॉजिट फायदेमंद होगा या फिर डिमांड डिपॉजिट फायदेमंद होगा, ये आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। बिल्कुल, तो अगर बैंकों की हम लोग बात करें तो बैंकों के लिए टाइम डिपॉजिट दोस्तों फायदेमंद रहेगा। क्यों रहेगा फायदेमंद, क्योंकि टाइम डिपॉजिट में क्या होगा, बैंकों के पास जो पैसा आएगा वो एक समय के बाद ही निकाला जाएगा, उतने समय तक बैंक उस पैसे का यूज कर सकते हैं यानी उस पैसे को दोस्तों तमाम तरह के लोन में या तमाम तरह के और चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां पे उनका प्रयोग कर सकते हैं। बट डिमांड डिपॉजिट को दोस्तों जो बैंक है वो लोन में नहीं दे पाएंगे,
क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट की कभी भी डिमांड हो सकती है, इसलिए इस पैसे को वो डिमांड में नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों क्या करते हैं बैंक, हमें जो एफडीआरडी है इस पर दोस्तों हमें बड़ा लोन देते हैं। इस पर लोन कैसे देते हैं हमें, इस पर लोन हमें देते हैं बड़ा बैंक, बड़ा लोन देते हैं। इस पर हमें 5%, 6%, 7% तक का लोन मिलता है, जबकि डिमांड डिपॉजिट पर अगर हम जमा करते हैं तो हमें 1% या 2% का ही लोन हमें ब्याज हमें मिलता है। इसका मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो टाइम डिपॉजिट में लोग जमा करें, ताकि बैंकों को क्या हो, और भी ज्यादा फायदा हो, ठीक है ना। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि बैंकों के लिए टाइम डिपॉजिट ज्यादा होता है या डिमांड डिपॉजिट, तो सीधा आंसर हो गया टाइम डिपॉजिट कैसा होता है, ज्यादा होता है। हम लोग भी कैसे हैं, लालची लोग हैं, हमें जहां ज्यादा ब्याज मिलेगा हम वहीं ज्यादा पैसा जमा करते हैं। मतलब हम लोग भी दोस्तों अपना अच्छा खासा पैसा जो है वो टाइम डिपॉजिट में जमा करना चाहते हैं, जबकि सेविंग बैंक में या सेविंग अकाउंट में हम लोग अपना पैसा कम रखते हैं। ये पूरी बात समझ में आ गया कि टाइम डिपॉजिट जो होते हैं बैंकों कैसे होते हैं, हमेशा ज्यादा होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए कि यहां पर हम 1,00,000 रुपए से ज्यादा का बैलेंस रख सकते हैं। जो पोस्ट ऑफिस के बैंक हैं उसमें हम लोग 1,00,000 रुपए से ज्यादा का बैलेंस यहां पर रख सकते हैं, बट यहां पर दोस्तों क्या है, हम बैलेंस को नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या है, केवल पेमेंट बैंक है और केवल पेमेंट करने के लिए ही प्रयोग होंगे। हमें कहीं भी अगर पेमेंट करना हो तो इनके माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के लिए जरूरी अमाउंट होगा वही दोस्तों हम लोग यहां पर रख सकते हैं। इसलिए यहां पर किसी भी तरह का हम लोग बैलेंस यहां पर नहीं रख सकते। ये थोड़ी बात आप लोग यहां पर ध्यान में रखिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या और इसमें डिफरेंसेस हैं वो एक बार देखिए जरा भाई। यहां पे क्या होता है, ई बैंकिंग जो है, ऑनलाइन बिल पेमेंट है, वो दोस्तों डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होते। क्यों डायरेक्टली पॉसिबल इसलिए नहीं होते, क्योंकि अभी इनका पूरा गेटवे दोस्तों तैयार नहीं हुआ है, और पोस्ट ऑफिस में इस प्रकार की दोस्तों चीजें यहां पर नहीं देखने को मिलती हैं। लेकिन जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, यहां पे भारत बिल पे के माध्यम से हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, भीम, यूपीआई, नेफ्ट, आईएमपीएस आदि का प्रयोग करके दोस्तों ऑनलाइन सारे बिल हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, और ऑनलाइन तेजी से अपने ट्रांजेक्शन को भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो उसके बाद देखिए सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो दोस्तों हम लोग पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे हम इस तरह की कोई भी योजना खोल नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या होता है, टाइम डिपॉजिट दोस्तों अलाउ नहीं होते। ये बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है अपने प्रिलिम्स के क्वेश्चन के लिए, कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में टाइम डिपॉजिट जो है दोस्तों वो अलाउ यहां पर नहीं होते, यानी टाइम डिपॉजिट के रूप में हम पैसे यहां पर जमा नहीं कर सकते। ये आप लोग को बात यहां पर थोड़ी ध्यान में रखनी होगी। यहां पर भी दोस्तों क्या है, नो लोन टू इंडिविजुअल, यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा दोस्तों इंडिविजुअल्स को यहां पे कोई लोन नहीं दिया जाएगा। यहां पे क्या है, नो लोन्स अंटिल इट बिकम द स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी जब तक पेमेंट बैंक को फाइनेंस बैंक दोस्तों नहीं बना दिया जाएगा तब तक यहां पर क्या है, वो भी लोन नहीं दे सकते। तो ये एक सिमिलैरिटी भी है दोस्तों दोनों ही चीजों में। अब इसके ऑब्जेक्टिव बात करें तो क्या है, सेविंग्स को प्रमोट करना, यानी लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना सेव करें, बचाएं, ये इसका माध्यम है। और इसका माध्यम क्या है, रेमिटेंस और डिजिटल पेमेंट, यानी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए, ये दोस्तों इसका यहां पे क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। इस प्रकार के यहां पर दोस्तों थोड़े डिफरेंसेस हैं, ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए शीतल जी, बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस जो है वो सही होने के चांसेस ना के बराबर ही होते हैं, क्योंकि आनुवंशिक रोग होता है हमारा, ये जो जेनेटिक रोग होता है, इसलिए इसको सही कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये इसलिए दोस्तों सही नहीं होता है अधिकतर केस में, ठीक है ना। राजा बाबू आ गए तुम, चलो सुमैया खान जी, ठीक है, आफरीन खान जी, सभी लोग यहां पर आ गए हैं, बहुत सुंदर, चलिए समारा सही है जी, बिल्कुल सही। तो ये आपको डिफरेंस यहां पे समझ में आया है कि क्या है पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में क्या डिफरेंस है, वो अपने को समझ में यहां पे आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बात एक बार कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां पे देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर, यानी वित्तीय समावेशन किस चीज के लिए एक मंच तैयार करता है, ये जरा मुझे यहां पे सोच के बताइएगा। वित्तीय समावेशन के द्वारा दोस्तों इनमें से कौन सी एक चीज दोस्तों होती है, ये आप लोग मुझे बताइए। मैंने आपको बताया कि वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है, वित्तीय समावेशन का मतलब है क्या होना, बैंकिंग की सुविधा होना, लोन की सुविधा होना, इंश्योरेंस की सुविधा होना और इन्वेस्टमेंट की सुविधा होना। आंसर देंगे सभी लोग इसका। चलो भैया, अखिल रंजन जी, जगत राम जी, शीतल जी, सुजीत श्रीवास्तव जी, प्रतिमा यादव जी, सभी लोग फॉर्म में आज, तनु रावत जी, श्रेयांश गुप्ता जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाइए UPSC 24/7, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दुर्गेश चौरसिया जी, ओम नारायण चौधरी जी, चलिए एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। रंजू जी, चलिए, हर्ष अग्रवाल जी,
ठीक है निर्मल कुमार जी, देख लेते हैं एक बार इसका। तो यहां पर अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन दोस्तों मनी सेविंग की बात तो करता ही है, क्योंकि बैंकिंग की जब सुविधा उनको मिलेगी तो मनी सेविंग तो होगा ही होगा। साथ में प्रोवाइडिंग फॉर्मल क्रेडिट एवेन्यूज दोस्तों ये भी होगा, क्योंकि जब लोन की सुविधा उन्हें वहां मिलेगी तो क्रेडिट यानी लोन भी आसानी से उनको मिल जाएगा। प्रमोटिंग द ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक सब्सिडीज एंड द वेलफेयर प्रोग्राम, बिल्कुल दोस्तों ये काम होगा। क्यों? सभी के जब अकाउंट खुल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कोविड के काल में सरकार ने कई बार अपने जो निम्न आय वर्गीय परिवार थे उनको 500 रुपए प्रतिमाह की राशि दी थी, 1000 रुपए प्रतिमाह की राशि दी थी, इस प्रकार की उनको सहायता प्रोवाइड की गई। तो जब इस प्रकार की सहायता प्रोवाइड की गई तो क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी रही, मतलब सीधे उनके अकाउंट में पैसा आ गया, बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं हुआ। वरना हम सभी जानते हैं दोस्तों कि आज से 15-20 साल पहले जब ये ऑनलाइन सिस्टम भारत में अपग्रेड नहीं हुआ था तब दोस्तों 500 रुपए के लिए भी हमें रिश्वत देनी पड़ती थी, और 500 रुपए की जगह जो आम आदमी था उसको 200-300 रुपए ही मिल पाते थे, बाकी सब रिश्वत के कट जाया करते थे। तो यहां पर देखिए ये काम भी होगा, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव जो है वो बिल्कुल सही होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन से हम इन सभी कामों को यहां पर कर सकते हैं, ये बिल्कुल पूरी बात यहां पर सही है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल यहां पर सभी को समझ में आ रहा है, बहुत सुंदर ज्योति वर्मा जी, बिल्कुल सही, आपने नोट भी कर लिया, बहुत ही सुंदर, आप तो बहुत ही एक्टिव निकली। चलिए तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनकी हम बात करेंगे आज, कि जिनसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने का सरकार का प्रयास रहा है और सामाजिक सहायता को बढ़ाने का सरकार का प्रयास रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना हमने पढ़ ली, उनके माध्यम से हम सारी चीजें समझी। हमने इसके अलावा दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक समझा कि किस तरीके से उसके माध्यम से सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ाया और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया। अब दोस्तों एक और योजना है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। हमारी जो विशेषकर दोस्तों ऐसे परिवार जो बहुत ही निम्न आय वर्ग के हैं या फिर मध्यम आय वर्ग के लिए, उनके लिए दोस्तों ये स्कीम बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों अपने देश में एक मेंटेलिटी बनी हुई है, एक सोच बनी हुई है कि लड़कियों पर खर्चा दोस्तों लोग नहीं करना चाहते, ये गलत सोच बनी हुई है। पैसे कम होने की वजह से कई लोग के घर में ऐसा देखा गया है कि वो लड़कों को तो पढ़ाते हैं और लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि वहां पर खर्चा करने में लोग कतराते हैं, इसकी वजह से दोस्तों लड़कियों का पूर्ण विकास यहां पर नहीं हो पाता और वो पीछे रह जाती हैं। तो ऐसे परिवारों में जिनकी इनकम कम है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बेटियों के लिए यहां पर दोस्तों काम कर सकते हैं, और उसी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना यहां पर बनाई गई है, जो दोस्तों किसी भी मां बाप की जो गर्ल होती है, यानी जो गर्ल चाइल्ड है, जो उनकी लड़कियां हैं, उनके लिए वो यहां पर क्या कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं इस सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से, जो बाद में दोस्तों काम में आता है। और इस योजना में जमा किए पैसे पर दोस्तों इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई प्रोवाइड होता है, यानी अगर इस योजना में आप कुछ पैसा जमा कर रहे हैं तो उस पर आपको 8.4 यानी 8.4% की रेट से दोस्तों इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है। हालांकि ये इंटरेस्ट रेट जो है ये बदलता रहता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, कभी ज्यादा भी होगा कभी कम भी होगा, बट दोस्तों बहुत ज्यादा रहता है फिर भी आम स्कीमों से। तो इसलिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। इस स्कीम के बारे में जरा एक बार समझ लेते हैं कि किस प्रकार से माता पिता अपनी बालिका की पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए, और भी उसके काम जो होते हैं उनके लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं। सुनिए मेरी बात, अगर हम बात करें तो ये जो अपनी सुकन्या समृद्धि योजना है ये दोस्तों किसी भी पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में यहां पर ओपन हो सकती है और किसी भी कॉमर्शियल बैंक में भी दोस्तों यहां पर ओपन की जा सकती है। इसके माध्यम से होता क्या है दोस्तों, देखिए अभी तक अगर बात करें तो 1.26 करोड़ अकाउंट जो है वो दोस्तों अभी तक खोले जा चुके हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। अब इसमें होता क्या है मेरी बात समझिए, फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति है जिसके पास दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई बालिका है जिसकी आयु जो है वो 0 से 10 वर्ष है, 0 का मतलब बिल्कुल अभी नवजात बच्ची हो या फिर उसकी उम्र 10 वर्ष तक हो गई हो, तो 0 से 10 वर्ष तक की किसी भी कन्या के लिए वो परिवार क्या कर सकता है, सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकता है, उनका अकाउंट वो ओपन कर सकता है। इस अकाउंट में करना क्या होता है दोस्तों, इस अकाउंट में क्या है, देखिए एनुअली यानी वार्षिक रूप से आप 250 रुपए से लेकर और 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी ही कोई बेटी है, उसके लिए मैंने सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाया और सुकन्या समृद्धि योजना में जैसी मेरी इनकम है, अगर मैं बहुत कम कमाता हूं तो पूरे वर्ष में 250 रुपए, अगर मैं ज्यादा कमाता हूं तो इससे ऊपर भी जमा कर सकता हूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 1.5 लाख रुपए किसी भी सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कर सकता हूं, और ये जमा करता रहूंगा मैं कब तक, जब तक मेरी बेटी जो है वो 14 वर्ष की नहीं हो जाती। अब इसमें भी दोस्तों एक खेल है, अगर मान लीजिए आज ही कोई बालिका पैदा हुई है और उसकी हमने आज ही योजना खुलवा दिया, आज ही हमने सुकन्या समृद्धि खुलवा दिया, तो वो 14 वर्ष की जब तक हो जाएगी तब तक उसे पैसा जमा करना होगा।
लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी बेटी 9 वर्ष की हो गई है और 9 वर्ष की आयु में उसने अपनी सुकन्या समृद्धि खुलवाया, तो ये 14 वर्षों तक उसे जमा करना पड़ेगा। यानी 14 और 9 कितना हो गया, 23 वर्ष। यानी जब तक वो बेटी 23 वर्ष की होगी तब तक उसे जमा करते रहना होगा। यानी जो ये 14 है ये दोस्तों आयु नहीं है, ये वर्ष है। इतने वर्षों तक आपको पैसा जो है वो जमा करते रहना होगा। अगर आप 250 जमा कर रहे हैं तो हर साल 250 जमा करने होंगे। अगर आप बढ़ा करना चाहते हैं तो बढ़ा के भी आप यहां पर पैसा जमा कर सकते हैं। अब 14 वर्ष के बाद क्या होगा, जरा समझिए। 14 वर्ष के बाद क्या होगा दोस्तों, 14 वर्ष के बाद जब भी वो बेटी आपकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, एडल्ट हो जाएगी, यानी वयस्क हो जाएगी। यानी जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी, समझ गए, जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग दोस्तों आधा पैसा यहां पर निकाल सकते हैं, समझ गए। जितना भी पैसा हमने जमा किया होगा वो पैसा हम लोग दोस्तों आधा यहां पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और उसके बाद बाकी पैसा जो है दोस्तों वो बाद में हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। बस कंडीशन ये है कि एक अगर आपकी बेटी है तो उसका एक ही अकाउंट यहां पे ओपन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी 4 बेटियां हैं तो चारों बेटियों का एक एक अकाउंट आप खोल सकते हैं। यानी एक बेटी का केवल एक अकाउंट होगा और जितनी भी बेटियां हैं सभी का आप यहां पे अकाउंट इस तरह का ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो 9.1 का भी इंटरेस्ट रेट यहां पर दोस्तों अनाउंस कर दिया गया है। यानी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई मिलेगा। अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट पर जो है रिटर्न यहां पर मिलेगा, जिससे आप दोस्तों आगे आने वाले लाइफ में अपनी बेटी के लिए बहुत सारा पैसा यहां पर जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार की दोस्तों स्कीम है, इसका मकसद भी यही है। इसके मकसद होता है एक तो बेटियों का जो सशक्तिकरण है वो भी है, साथ में जो लोग हैं उनकी भी सेविंग्स होगी, वो भी अपना पैसा बचा पाएंगे और उसको अपनी लड़कियों के लिए काम में यूज में ले पाएंगे। इस प्रकार की दोस्तों ये सुकन्या समृद्धि योजना हमारी चल रही है और इसको दोस्तों लोग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बातें याद करनी है। 0 से 10 वर्ष की बालिका के लिए है, आपको हर साल 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा करने, 14 वर्ष तक जमा करने। उसके बाद क्या होगा, 18 वर्ष की आयु के बाद आप आधा पैसा निकाल सकते हैं और उसके बाद फिर आप जब पूरी हो जाएगी वो इसकी 21 वर्ष की उम्र में तो आप पूरा पैसा यहां पर निकाल सकते हैं। ये आप लोग यहां पर ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े दोस्तों, अगली बात करते हैं। तो कुछ यहां पर स्कीम ऐसी भी हैं जो लोन के लिए चल रही हैं। अभी तक हमने जो स्कीम पढ़ी वो बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए पढ़ी, जैसा कि हमने जनधन योजना पढ़ा, सुकन्या समृद्धि योजना पढ़ा, है ना, किसान विकास पत्र पढ़ा, तो वो सब क्या है, बैंकिंग की सुविधा को यहां पर बढ़ावा देने के लिए है। अब यहां पर कुछ योजनाएं ऐसी पढ़ते हैं जो क्रेडिट यानी लोन को बढ़ावा देने के लिए मिलती है, यानी लोगों को आसान लोन प्राप्त हो उसके लिए कुछ योजना चल रही है, उनकी बात भी दोस्तों आज हम कर लेते हैं यहां पर अपने इस लेक्चर में। तो पहली योजना है दोस्तों यहां पर मुद्रा योजना, ठीक है। सभी के मुझे कमेंट यहां पर मिल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अखिल रंजन जी, बिल्कुल ठीक है, सभी को समझ में यहां पे आ रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही है, सभी के समझ में यहां पे आ रहा है मुझे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगली बात करते हैं, मुद्रा योजना की बात कर लेते हैं। मुद्रा योजना क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, हम सभी ने सुना होगा दोस्तों। ये मुद्रा योजना जो है दोस्तों, ये मुद्रा क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस। मुद्रा मतलब क्या है, माइक्रो, ये माइक्रो है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये दोस्तों संस्था है। ये क्या है, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी पूरी 100% सब्सिडायरी है। यानी मुद्रा जो है इसका पूरा कर्ता धर्ता कौन है, हमारा सिडबी है, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से ही समझ में आ गया होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट यानी छोटी छोटी जो उद्योग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम करने वाला कौन है, सिडबी है। और सिडबी के अंतर्गत क्या चलती है दोस्तों, हमारी पूरी मुद्रा योजना यहां पर चलती है। क्या करेगी, तो मुद्रा योजना में भी दोस्तों यही है, फंडिंग कराई जाती है, किसमें, पीएसएल में, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब आरबीआई के द्वारा बताए गए जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जहां पर डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, उन सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों के लिए मुद्रा यानी फाइनेंस यानी फंड उपलब्ध कराने के लिए यह मुद्रा योजना दोस्तों यहां पर शुरू की गई है। क्या करते हैं इसमें दोस्तों, हम जो एलिजिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या करते हैं, 3 प्रकार के लोन प्रोवाइड करते हैं जो कि शिशु किशोर और तरुण के रूप में जाने जाते हैं। शिशु किशोर और तरुण के रूप में लोन प्रोवाइड करते हैं, उस लोन से जो लोग हैं अपने बिजनेस को और ग्रो करते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट दोस्तों बढ़ता है। बस इसी प्रयास के लिए मुद्रा योजना यहां पर शुरू की गई है। क्या करते हैं, इनडायरेक्ट लेंडिंग प्रोवाइड करते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा, चाहे आरआरबी के द्वारा, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, इन सब के द्वारा दोस्तों क्या करते हैं, ये फंड प्रोवाइड करते हैं। उद्देश्य यही है कि अपने देश में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो लघु उद्योग हैं, उसको बढ़ावा यहां पर दिया जाए।
अब यहां पर अगर बात करें तो इस मुद्रा योजना में भी कुछ विशेष प्रकार के लोगों को ही लोन मिलेगा। सबसे पहले नॉन कॉर्पोरेट टाइप, यानी जो कॉर्पोरेट लोग नहीं है। अब कॉर्पोरेट का मतलब होता है बड़े बिजनेसमैन, यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो लोग दोस्तों, ठीक है ना। तो वो ना हो, वो तो ऑलरेडी डेवलप है, उनका सारा काम ऑलरेडी है। जो अनऑर्गेनाइज है, दुकान वाले, ठेले वाले या और भी तमाम तरह काम वाले, ऐसे लोग जो है जिनको अपना बिजनेस और एक्सपैंड करना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, अभी वो अनऑर्गेनाइज है, उनको एस्टैब्लिश होना है, तो ऐसे लोगों को यहां पर क्या मिलेगा, लोन प्रोवाइड होगा। इसके अलावा माइक्रो इंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे इंटरप्राइजेस हैं उनको मिलेगा, ठीक है ना। जो एग्रीकल्चर से संबंधित है उनको मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं उनको यहां पर क्या मिल जाएगा, लोन यहां पर प्रोवाइड हो जाएगा, और उस लोन से वो अपना आगे काम दोस्तों कर सकते हैं। अब यहां पर ये कैसा है, कोलेट्रल फ्री लोन है, यानी जब भी आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ अपनी जमानत गिरवी रखनी होती है। लेकिन दोस्तों मुद्रा योजना में अगर आपको लोन मिल रहा है तो कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना, ये सरकार अपनी गारंटी पर बैंकों से कह रही है कि लोन दो। तो बैंकों ने भी दोस्तों एक बात कहा कि भैया तुम तो कह रहे हो लोन दे दो, है ना, और लोगों को हम जानते हैं हिंदुस्तान के ऐसे लोग हैं, वो तो भैया समझ रहे हो भिखारी के लोटे से भीख मल लेके उड़ जाते हैं लोग, तो ऐसे भी लोग हिंदुस्तान में कि भिखारी बैठा होता है उसको उधर नजर घुमाते हैं, उसके कटोरे में से पैसा लूट के भाग जाते हैं। जब ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं तो हम बिना जमानत के लोन देंगे तो हमारा पैसा मर जाएगा। तो सरकार का कोई चिंता वाली बात नहीं है, तुम्हारा अगर पैसा मरता है, यानी अगर तुम्हारा पैसा लौट के तुम्हारे पास नहीं आता है, तो हम यानी सरकार जो है उसको रीफाइनेंस करेगा, सरकार उसको क्या करेगा, पैसा वहां पर देगा। इस प्रकार की दोस्तों यहां पर की गई है, और इसलिए गारंटी फ्री यानी कोलेट्रल फ्री यहां पर दोस्तों लोन दिया जा रहा है, जिसकी गारंटी जो है दोस्तों वो कौन देगा, वो सरकार यहां पर देगी, कि अगर बैंकों को नुकसान होता है, बैंकों का ये पैसा नुकसान में आता है, तो सरकार फिर उसको क्या करती है, भरती है दोस्तों, ये काम यहां पर उसको होता है। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि जो आम इंसान है, मान लीजिए मैं हूं या कोई भी और छोटा मोटा इंसान है, भैया उनके पास है ही नहीं कुछ, अगर कुछ होता तो वो बैंकों में गिरवी रख के लोन ले ही लेते, उनके पास है ही नहीं कुछ तो वो गिरवी कहां से रखेंगे, और इसी वजह से उन्हें कोई लोन नहीं दे रहा, इसी वजह से उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, और सरकार ने इसी वजह से यहां पर क्या किया है, मुद्रा योजना को यहां पर दोस्तों शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार के लोन दोस्तों यहां पर मिलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, ठीक है। शिशु लोन मिलता है अप टू 50,000, यानी 50,000 रुपए तक का लोन आपको शिशु लोन के अंतर्गत मिल जाएगा। अगर किशोर लेना है, आपको बड़ा लोन लेना है, तो 50,000 से 5,00,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर तरुण लोन लेना है तो 5,00,000 से ऊपर और 10,00,000 रुपए तक का लोन जो है वो तरुण योजना में दोस्तों आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के तीन लोन यहां पर दोस्तों मिल जाएंगे आपको, तीनों में से कोई भी लोन आप ले सकते हैं। बिना गारंटी का लोन है, जो दोस्तों आपको वापस नहीं करना है, वो बात अलग है कि आपको वापस दोस्तों अगर व्यापार चलेगा तो आपको वापस करना ही पड़ेगा, अगर व्यापार नहीं चलता है तो फिर आपको यहां पर वापस नहीं करना है। यह पूरी बात आपको समझ में यहां पर आ रही है, ठीक है ना। चलिए जीपीएसडी आफरीन खान जी, चलिए लाइफस्टाइल जी, जगतराम जी, अर्चना कुमारी जी, आप भी आ गई, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। ज्योति वर्मा जी, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा ये पूरी योजना, सभी को यहां पर समझ में आ रही होगी। और दोस्तों मैं फिर से कहूंगा कि आप लोग यहां पे, हम लोग 40 करीब लोग बैठे हुए हैं लेकिन लाइक्स मुझे 26 दिख रहे हैं, तो मैंने फिर कहा कि मेरी सांसों के लिए लाइक बहुत जरूरी है, तो आप मेरी सांसें बनिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो, अगर ये कंटेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पे वो पसंद आ रहा है और चीजें आपको समझ में आ रही है, तो उसको अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि सभी को समझ में आए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो आगे तक अपने आप पहुंच जाए दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन एक यहां पर है, इस क्वेश्चन को जरा करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एम्ड एट, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, ये 2016 में दोस्तों क्वेश्चन आया है। अब जल्दी से मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या इसका उद्देश्य यहां पर होना चाहिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का यहां पर क्या एक उद्देश्य हो सकता है, इसका आंसर मुझे आप लोग दीजिए। अरे प्रियंका जी जल्दी से आंसर दीजिए भाई। गुंजन जी, चलिए आपने लाइक कर दिया, मेरी सांसें बढ़ गई, चलिए भाई बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। ज्योति वर्मा जी, राजा बाबू जी, सुमैया खान जी, चलिए ठीक है। प्रकाश चंद्रा जी, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जगत राम जी, क्या इसका आंसर हो सकता है, चलिए। कुछ लोग कह रहे हैं ए होगा, पूनम जी का आंसर है 4, ठीक है। ओम नारायण चौधरी जी, सब लोग ए पर जा रहे हैं या फिर 4 पर जा रहे हैं। पूनम जी बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया, आपने भी लाइक कर दिया, बहुत सुंदर। तनु रावत जी,
चलिए तो एक बार दोस्तों जरा देख लेते हैं कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है भाई, यहां पर ये ए और चार पर क्यों जा रहे हैं और इनमें से क्या आंसर सही है, जरा देखते हैं। कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग चार कह रहे हैं, जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो देखते हैं जरा यहां पर कौन सी बात सही हो सकती है। देखिए मुद्रा योजना के बारे में पहला सेंटेंस पढ़िए, क्या कह रहा है, ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्राइजेस इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, उनको मेन फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आना, यह एक उद्देश्य यहां पर हो सकता है मुद्रा योजना का, लग रहा है, ठीक है ना। पहला वाला लग रहा है कि हाँ ये उद्देश्य हो सकता है। दूसरा, प्रोवाइडिंग लोन्स टू पुअर फार्मर्स फॉर कल्टीवेटिंग द पर्टिकुलर क्रॉप्स, ये तो नहीं होगा, ऐसा आप इसमें नहीं करते। तीसरा, प्रोवाइडिंग पेंशन टू ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट पर्सन, ये भी दोस्तों नहीं करते, पेंशन यहां पर कोई प्रकार की नहीं दी जाती है। तीसरा, फंडिंग द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी दोस्तों हम लोग नहीं करते। देख लीजिए भाई यहां पे क्या है, यहां पे तो इंटरप्राइजेस हैं, सीधे सीधे जो व्यापार कर रहे हैं उन्हीं को यहां पर लोन दिया जाएगा अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। यहां पर किसी भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात यहां पर नहीं की गई है, यानी यहां पर कोई ऐसा इंसान है जो केवल प्रमोशन कर रहा हो स्किल का, उसको यहां पर किसी भी प्रकार का लोन यहां पर नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर वन यहां पर जो है वो बिल्कुल सही होगा, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर वन बताया है वो यहां पर बिल्कुल यहां पर सही आंसर दोस्तों हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिमा यादव जी चलिए बहुत बढ़िया, प्रियंका जी, अर्चना कुमारी जी, श्रेयांश गुप्ता जी, ठीक है, चलिए गुंजन जी, निर्मल जी, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगली बात दोस्तों करते हैं, अगला है किसान क्रेडिट कार्ड, और ये आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी और क्यों की गई थी वो भी आपको यहां पे समझ में दोस्तों आ रही होगी, पूरी बात यहां पे हम लोग समझ पा रहे होंगे। अब केसीसी जो है इसको शुरू किया था आरबीआई और नाबार्ड ने 1998 में, मकसद क्या था, किसान क्रेडिट कार्ड, यानी किसानों को उधार देने के लिए, किसानों को लोन देने के लिए। अब किसानों को लोन क्यों चाहिए, उनकी खाद के लिए लोन चाहिए, डीजल के लिए चाहिए, अच्छे बीज के लिए चाहिए, और भी तमाम चीजों के लिए उनको लोन चाहिए होता है, जिससे अपनी फसल को और भी अच्छा वो उत्पादित कर सके, अच्छी क्वालिटी की फसल लगा सके, जिससे उनके दाम मार्केट में अच्छे मिल जाए और किसानों की क्या हो, इनकम बढ़ जाए, तो उसके लिए उन्हें यहां पर जरूरत पड़ती है। तो आरबीआई और नाबार्ड ने 1998 में ऐसे किसानों की हेल्प करने के लिए यहां पर योजना शुरू की थी। इसमें क्या होता है, यहां पे किसानों को लोन प्रोवाइड होता है कार्ड के माध्यम से, समझ गए, एक क्रेडिट कार्ड उनको दिया जाता है, ठीक है ना, जो पीएसबी यानी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे अपने सरकारी बैंक हो गए, है ना, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंक जो हो गए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इन सभी के माध्यम से उनको क्या होता है, एक क्रेडिट कार्ड प्राप्त होता है। उस कार्ड होल्डर फार्मर क्या कर सकते हैं, वो दोस्तों कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, चाहे वो बीज खरीदें, फर्टिलाइजर खरीदें, पेस्टिसाइड्स खरीदें, या और भी तमाम चीजें वो उस कार्ड्स के द्वारा खरीद सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होगा, क्रेडिट कार्ड का मतलब होगा कि ऐसा कार्ड जो आपके पास पैसा नहीं हो उधार आपको दे, है ना। किसान भी ये तो करेगा, उसके पास अभी तो पैसा नहीं है, जब फसल बिकेगी तब पैसा आएगा, तो अभी क्या करेगा, वो फसल से पहले उधार ले लेगा चीजों को, उससे अपनी फसल बढ़िया करेगा, और उससे फिर क्या करेगा, व्यापार जब बढ़िया होगा उसका तो फिर पैसा वो साथ में क्या कर देगा, लौटा देगा, ठीक है ना। मोरओवर ही कैन ऑल्सो विड्रॉ कैश, वो लोन के रूप में कैश को भी विड्रॉ दोस्तों कर सकता है। ऐसी योजना ये किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में हमें प्रोवाइड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि उसको बाद में रीपेड करना पड़ेगा और इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट कैसा होगा, बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वहां पे नहीं होता है। जल्दी से क्वेश्चन बताइए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहां पे है, चेकबुक कैन बी इशूड ऑन अ किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट इफ द लोन अमाउंट इज अबव, यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर जो चेकबुक है वो जारी की जाती है तो वो कितने अमाउंट से ऊपर पर की जाती है। अगर आपने लोन कितना लिया हो कि आपको चेकबुक यहां पे जारी हो जाएगी, जिसको इस बारे में पता हो वो दोस्तों जल्दी से इसको बताइए। अखिल रंजन जी जल्दी से बताइए, ठीक है, समारा सैयद जी, प्रतिमा यादव जी, चलिए जल्दी से बताइए,
प्रतिमा यादव जी, देखिए जिंदगी ही पूरी उधार पे चलती है। जब हमारा जन्म होता है तो वो जन्म हमारे ऊपर कर्ज होता है, ठीक है, उस कर्ज का हमें ऋण चुकाना पड़ता है, समझ गए मेरी बात, उस कर्ज का ब्याज हमें चुकाना पड़ता है अच्छे काम करके। हम में से हर कोई जो इस दुनिया में आया है वो किसी ना किसी उद्देश्य से भेजा गया है, समझ रहे हैं मेरी बात। और जैसे ही भगवान को दो बातें पता लगती हैं तभी हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। कौन सी दो बातें? पहली बात तो हमारा उद्देश्य अगर पूरा हो गया हो, जब ये बात हो जाती है तो फिर हमारी जिंदगी का कोई मतलब रह नहीं जाता और जिंदगी खत्म हो जाती है। और या फिर भगवान का आपसे भरोसा उठ जाए कि भाई ये तो इस उद्देश्य में कामयाब हो ही नहीं पाएगा, तब भी हमारी जिंदगी दोस्तों खत्म हो जाती है। तो पूरी जिंदगी अपनी उधार पे ही है, जैसे उधार चुक जाता है तो हम दोस्तों निपट जाते हैं, और या फिर हम दिवालिया हो जाएं यानी भगवान का हमसे विश्वास उठ जाए तो भी हम दोस्तों निपट जाते हैं, ठीक है ना। तो उधार में जिंदगी वैसे ही है प्रतिमा जी, आप निश्चिंत रहिए, बस हमें अपनी मेहनत से उधार को चुकाना है और भगवान के भरोसे को कामयाब रखना है, ठीक है। चलिए तो यहां पर अगर देखें दोस्तों तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। अगर 25,000 रुपए तक का हमारा लोन का अमाउंट होता है तो फिर क्या होता है कि हमें यहां पर क्या होता है दोस्तों, हमें चेकबुक इशू हो जाती है किसान क्रेडिट कार्ड पर, ठीक है ना, ये आपको यहां पे ध्यान में करना है। 25,000 उसका यहां पर आंसर होता है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली बात आपको समझ में आई गई होगी, अगली बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसकी बात कर लेते हैं। ये भी दोस्तों अभी कुछ ही वर्षों पहले शुरू की गई है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग शुरू करते हैं बात को। चलिए तो यहां पर देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है इसकी बात समझ लेते हैं। सभी लोगों को पूरी बात यहां पे समझ में आ ही रही है, मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है, ठीक है। अभी वय वंदना योजना के बारे में समझिए कि ये वय वंदना योजना यहां पर क्या होती है, जरा पूरी बात यहां पे समझते हैं दोस्तों। वय वंदना योजना जो है ये हमारी सरकार ने ही शुरू की है, और इसका मकसद है कि जो एल्डरली पर्सन है यानी जो वरिष्ठ नागरिक है उनको क्या दी जाए, 60 साल के बाद उनको क्या दी जाए, एक उनको पेमेंट यानी दिया जाए, यानी उनको क्या जाए, एक पेंशन दी जाए। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो वयवद्र लोग होते हैं, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, वो 60 की उम्र के बाद उनकी बॉडी का जो कैलिबर है वो खत्म हो जाता है और वो काम नहीं कर पाते उसके बाद, है ना। 60 साल में तभी रिटायरमेंट भी होता है। कुछ लोग हालांकि काम करते हैं, इनकी बॉडी सक्षम रहती है, जो फिजिकल एक्सरसाइज करते रहते हैं, जो योग प्राणायाम करते रहते हैं, उनकी बॉडी तंदुरुस्त रहती है, लेकिन बाकी सबकी बॉडी दोस्तों खराब हो जाती है। तो सरकार यह मानती है कि 60 वर्ष के बाद अपनी आजीविका को लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सरकार ने क्या किया, एक वय वंदना योजना शुरू की जिसका मकसद है 60 वर्ष के बाद जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको एक मंथली इनकम मिल जाए, मंथली उनको एक पेंशन के रूप में इनकम मिल जाए, जिससे उनका जीवन जो है वो सही तरीके से चलता रहे। उसके लिए यहां पर क्या किया गया है, पीएम मंत्री जो वय वंदना योजना है उसको यहां पर शुरू किया गया है। अब यहां पर मेरी बात समझिए, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें दोस्तों यहां पे क्या होगा, स्कीम जो है वो दोस्तों हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC है उसके द्वारा यहां पर क्या किया जाएगा, पूरे इंप्लीमेंट की जाएगी। और दोस्तों यहां पर जो है वो हम लोग 2023 तक जो है सब्सक्रिप्शन इसका ले सकते हैं, जो भी ऐसे लोग यहां पर लेना चाहते हैं। अब स्कीम में होगा क्या, जरा समझिए, इस स्कीम में दोस्तों होगा ये कि यहां पर सरकार क्या करती है, सरकार यह करती है कि एक रेट ऑफ रिटर्न पेश करती है 7.40, यानी जो भी दोस्तों आप लोग यहां पे जमा करेंगे उसका 7.40% के हिसाब से पर एनम आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा यानी ब्याज मिलेगा। अब यहां पे क्या है कि ये दोस्तों 10 वर्षों के लिए पूरी स्कीम बनाई गई है, यानी 2020-21 के लिए यहां पे है, 2030-31 तक यहां पे पूरी स्कीम ये चलनी है। इसमें है क्या दोस्तों, जो भी हमारा रेट ऑफ रिटर्न होगा सीनियर सिटीजन का वो सेविंग स्कीम के तहत तो चलाया जाएगा, जो कि 7.75% तक ऊपर यहां पर बढ़ सकता है, यानी मार्केट पर बेस्ड होगा, अधिकतम सीमा उसकी क्या रहेगी 7.75% तक यहां पर रह सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आगे के लिए एक बहुत ही जबरदस्त यहां पर क्या मिल जाएगा, पूरा रिटर्न के लिए मिल जाएगा, अभी से वो अपनी तैयारी यहां पर कर सकते हैं और अभी से अपनी जो आगे की जिंदगी है उसके लिए यहां पर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अब यहां पे होगा क्या दोस्तों, देखिए यहां पर जो पेमेंट है वो मंथली भी मिल सकता है, क्वार्टरली मिल सकता है, हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस पर भी मिल सकता है। मान लीजिए मैं व्यक्ति हूं, मैंने क्या करा, इस योजना में अपना एडमिशन करा लिया, यानी पीएम वय वंदना योजना में अपना अकाउंट खुलवा लिया, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी तो इसमें पैसा ही जमा करता रहूंगा। जब इसमें पैसा जमा हो जाएगा और 60 वर्ष के बाद दोस्तों मेरी आयु बढ़ेगी, तो 60 वर्ष तक मैंने जो भी पैसा यहां पे जमा किया होगा वो विद ब्याज विद इंटरेस्ट मुझे क्या होगा, मिल जाएगा। चाहे वो मैं मंथली बेस पे सरकार से ले लूं, चाहे मैं उसे ईयरली बेस पे ले लूं, और चाहे मैं उसे क्या करूं हाफ ईयरली बेस पे ले लूं, किसी भी तरीके से मुझे मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो मुझे तनख्वाह के रूप में मिले तो हर महीने मुझे मिल जाएगा, या मैं चाहता हूं इकट्ठा मुझे मिल जाए तो इकट्ठा मुझे मिल जाएगा। इस प्रकार की चीजें यहां पर रह सकती है। अब इसी में समझिए यहां पर क्या होगा, मिनिमम जो परचेज है वो कितनी होनी चाहिए, वो दोस्तों 1,62,162 रुपए की है, जिसके लिए दोस्तों जो मिनिमम पेंशन है वो 1,000 रुपए की आपकी बनती है हर महीने की।
मतलब अगर आप 1,62,162 रुपए अगर आप जमा कर देते हैं अपनी पूरी आयु में 60 वर्ष तक, तो आपको 60 वर्ष के बाद 1,000 रुपए प्रतिमाह की दोस्तों क्या मिल जाएगी, पूरी पेंशन यहां पे मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो मैक्सिमम परचेज है वो कितनी है, वो दोस्तों यहां पे 15 लाख रुपए का है। अगर आप 15 लाख रुपए यहां पर पेड कर देते हैं पूरे जीवन काल में अपने, तो फिर क्या होगा, आपको 60 वर्ष के बाद 9,250 रुपए प्रतिमंथ की यहां पे क्या मिलेगी, एक पेंशन के रूप में दोस्तों इनकम मिलना शुरू हो जाएगी, जो आपके 60 वर्ष के बाद के जीवन में दोस्तों काम में यहां पर आना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की दोस्तों यहां पर स्कीम रहती है, इसको आपको यहां पर थोड़ा ध्यान में कर लेना है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये आपने सभी ने पढ़ा होगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या था, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम दोस्तों अभी हाल ही में शुरू किया गया है, 2-3 साल पहले 4 साल पहले इसको शुरू किया गया है। मकसद यही था कि भारत में नए जो एंटरप्रीनोर्स हैं, नए जो उद्यमी हैं, यानी नए जो लोग हैं जो नए उद्योग करना चाहते हैं, उन उद्योगों को बढ़ाने के लिए यह स्टैंड अप इंडिया स्कीम दोस्तों शुरू की गई थी। 2016 में स्कीम शुरू की गई थी और मकसद यही था कि जितने भी लोग यहां पर हैं जो नए काम करना चाहते हैं, उनको 10 लाख रुपए से लेकर और 1 करोड़ रुपए तक का लोन यहां पर उनको दिया जाए। लेकिन यहां पर दोस्तों जो लोन दिया जाएगा उसके लिए कुछ एरिया निश्चित हैं। किसको दिया जाएगा, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, या फिर दोस्तों एक महिला है कोई, ठीक है ना, इस प्रकार के लोगों को यहां पर लोन दिया जाएगा। सरकार का मकसद यही है, देखिए जो एससी एसटी हैं ये दोस्तों अभी पिछड़े हुए वर्ग में आते हैं, जो वुमेन्स हैं उनका भी दोस्तों इतना ज्यादा जलवा अभी नहीं कायम हो पाया है, तो इन सबको आगे प्रमोट करने के लिए कि महिलाएं हैं या हमारे एससी समाज के लोग हैं एसटी समाज के लोग हैं, ये आगे ग्रो करें, ये अपना बिजनेस बढ़ाएं, ये बिजनेसमैन बने और ये ज्यादा पैसा कमाएं, तो ये अपने समुदाय के लिए भी और काम कर पाएंगे और इनकी बढ़ोतरी होगी, इनका जब इंक्रीमेंट होगा, जब इनका डेवलपमेंट होगा, तो समाज का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तो इसी काम को करने के लिए ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम शुरू की गई थी। इसमें जो भी हमारे एसटी समुदाय के लोग हैं या वुमेन हैं, उनको 10 लाख रुपए से लेकर और 1 करोड़ रुपए तक का लोन यहां पे प्रोवाइड सरकार की तरफ से किया गया था, ताकि वो अपने बिजनेस को यहां पर एक्सपेंड कर सके, और ये सारा लोन जो है वो बैंक की ब्रांच से उनको यहां पर मिल सकता है, और इस ब्रांच से वो क्या कर सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जो अपनी योजना है ये किसी भी बैंक के माध्यम से लोन हो जाएगी, ठीक है ना, और बैंक के माध्यम से लोन तब होगी जब दोस्तों कम से कम 2.5 लाख उधारकर्ताओं को लाभान्वित करने के लिए हो। यानी जितना भी ये योजना है उसमें सरकार का प्लान ये है कि करीब करीब 2.5 लाख जो बोरोवर्स हैं, 2.5 लाख जो लोग हैं, उनको कम से कम हमें क्या करना है, लोन ये बांटना है, ताकि दोस्तों क्या हो जाए कि इनका भी भला हो और इनका व्यापार जो है वो बढ़े, ताकि अपने देश का भी जो है वो डेवलपमेंट यहाँ पे बढ़ जाए, ठीक है ना। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में समझ में आया आपको, क्या करेगी एससी एसटी और वुमेन्स के लिए यहां पर जो है वो स्कीम चलाई गई है, जिसके माध्यम से सारा जो लोन है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रयास दोस्तों यहां पर किया जाएगा। ये पूरी बात आपको यहां पर समझ में आ गई है, ये सारी बात दोस्तों वही लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी यहां पर बताई है। तो यहां पर अगर बात करें दोस्तों, तो अभी तक का डेटा ये कहता है, जो 23 अगस्त तक का डेटा है वो ये कहता है कि करीब करीब जो है वो 26,688 करोड़ रुपए इस स्टैंड अप इंडिया में स्वीकृत कर लिए गए हैं, जो कि दोस्तों 1,18,462 खातों में प्रोवाइड किए भी जा चुके हैं। यानी इतने लोगों को, 1,18,462 लोगों को दोस्तों ये पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जा चुका है और उनको पूरा लाभ भी उसका यहां पर मिल रहा है। तो काफी अच्छी बात है कि इस योजना के द्वारा इतने लोगों को कम से कम लोन मिला है और उन्होंने अपने व्यापार को आगे यहां पर बढ़ाया है। तो ये दोस्तों काफी यहां पे बढ़िया बात लगी मुझे और अच्छी योजना लगी, इसके माध्यम से यहां पे सारी चीजें दोस्तों हमने देखी हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की और भी कई सारी स्कीम्स हैं, अटल पेंशन योजना है, इसके अलावा हमारे पास पीएम सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, और भी तमाम तरह की योजना दोस्तों चल रही हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए यहां पर सरकार द्वारा पेश की गई है, उन सभी की बात दोस्तों हम करेंगे। ये सारी बातें हमें समझ में आई होंगी ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों। तो इन सब बातों पर दोस्तों क्वेश्चन हमारे बनते हैं, वो क्वेश्चन भी हमने यहां पर अपने इस लेक्चर में किए हैं, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों इस लेक्चर को यहां पे मैं ओवर करूंगा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। और प्लीज यहां पे मैं कमेंट देख रहा हूं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्तों मैंने पहले भी आपसे कहा कि देखिए जब जिंदगी में हम लोग आते हैं ना, तो जिंदगी में हम जब आते हैं तो हमारे जो प्रतिद्वंदी है, हमारे जो दुश्मन है, वो हमसे पहले पैदा होते हैं, समझ गए मेरी बात। तो पहले क्या था कि जब सही चीज चल रही थी तो हमारे दुश्मन हमारे सामने से हम पे हमला करते थे और सामने से हम पर क्या करते थे, वार करते थे।
लेकिन आज दोस्तों क्या है कि ये सारे दुश्मन लोग जो है ना, ये हम पे सामने से वार नहीं करते हैं, बल्कि हम पे पीछे से वार करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उल्टी सीधी कमेंट करते हैं या अलग अलग कमेंट करते हैं। उनका मकसद ये नहीं है कि कोई खराब कमेंट वहां पे की जाए, उनका मकसद है केवल आपका ध्यान भटकाना, ठीक है ना। तो उन कमेंट्स को आप बिल्कुल मत देखिए, उन कमेंट्स को आप इग्नोर कीजिए, अपने केवल पढ़ाई पे ध्यान रखिए। और ये सभी के साथ होता होगा, हर जगह देखिए। मैंने क्या बताया कि डिटॉल या हार्पिक के जब ऐड आते हैं तो किसी का भी आप ऐड देख लीजिए, डिटॉल का देख लीजिए, हार्पिक का देख लीजिए, सेवलॉन का देख लीजिए, कोई भी आपका जो टॉयलेट क्लीनर है या फिर जो फ्लोर क्लीनर है, कोई भी क्लीनर जब आता है उसका आप टेस्ट देख लीजिए, उसका ऐड देख लीजिए। हर एक ऐड में 99.99% कीटाणु ही वो मारते हैं, 0.01% कीटाणु जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। तो वो जो 0.01% कीटाणु है दोस्तों, वो छूट के पूरी दुनिया में क्या है, फैल जाते हैं। जब फैल जाते हैं तो इसका मतलब कीटाणु हर जगह पाए जाते हैं, तो उनसे अपने को बच के रहना है, उनसे अपने को अलग रहना है, समझ गए मेरी बात। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिए और अपनी स्टडी पर ध्यान फोकस करिए दोस्तों। इन बातों का ध्यान करते हुए दोस्तों आज के इस लेक्चर को ओवर करता हूं। आपके लिए टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया, टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सीधे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99। और दोस्तों यूपीएससी का महापैक का भी दोस्तों आज आखिरी दिन है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोड है मेरा Y508, इसका इस्तेमाल करके आप जबरदस्त डिस्काउंट भी वहां से ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आज की इस क्लास को ओवर करूंगा दोस्तों, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे। करंट अफेयर क्लास बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, प्लीज मिस मत कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, उन पे बहुत सारा अच्छा कंटेंट हम लोग लेके आ रहे हैं। तो सुबह की 7 बजे क्लास दोस्तों जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते खिलखिलाते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऊर्जाओं से भरे रहिए, आलस्य से दूर रहिए और कीटाणुओं से दोस्तों दूर रहिए, ठीक है। इन सभी शुभकामनाओं के साथ विदा लूंगा आपसे, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।